शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ, उससे पहले आपसे गुजारिश की जाएगी कि कमेंट्स बॉक्स में आप अपना और अपनी वालदा का नाम ना दें, बल्कि आप बस हमसे रब्ता करें फेसबुक पर, जो हमारे मदरसे का अकाउंट इनबॉक्स है वहां पर आपकी भरपूर मदद की जाएगी। कोई भी मसला, कोई परेशानी है, आप वहां पर बआसानी हमसे बात भी कर सकते हैं और रब्ता भी कर सकते हैं। खाना खाने में देर करने से क्या होता है, आपको आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपने पहले कभी ना सुनी होगी, ना ही कभी किसी ने आपको बताई होगी। खाना खाने में देर, इंसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, अपने कामों में लगा रहता है, लेकिन जिस वक्त खाना आपके पास आए फौरन सब काम छोड़ के पहले रिस्क हाथ धो के बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, खामोशी से खाओ। फरिश्ते आपके नाम का रिस्क लिख रहे होते हैं, जितने नवाले आप खा रहे होते हैं, जितनी तहजीब और तमीज से आप खा रहे होते हैं, जितना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा रहे होते हैं, यकीन माने उतने फरिश्ते जो उनसे आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं, आपका रिस्क लिख लियो। अगर आप खाने का एक लुकमा खाते हैं और या वाजिदू पढ़ते हैं, खाने का एक लुकमा खाते हैं या वाजिदू पढ़ते हैं, यकीन माने हर लुकमा आपके अंदर नूरे खुदा बन के जाता है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर किसी ने मेरा नूर खाना हो ना तो या वाजिदू पढ़ो, या वाजिदू ए खुदा के नूर, कि या अल्लाह इस खाने को हमारे लिए या वाजिदू या नूर या खुदा का नूर बना दे। जब खाना खाओ या वाजिदू हर लुकमे के साथ पढ़ते रहो, बिस्मिल्लाह पढ़ते हो। फर्ज करें आपको शुरू में बिस्मिल्लाह याद नहीं रही, आप बिस्मिल्लाह अव्वल तो आखिर भी कह सकते हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह की दुआ भी पढ़ सकते हैं, लास्ट में बिस्मिल्लाह की दुआ, दुआ नहीं आती तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, ठीक है। यह वाजिदू का कि हर लुकमा, किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को एड्स की बीमारी है, किसी को कोरोना वायरस, किसी को कोई भी मसला, कैसी भी बीमारी, टीबी, ब्लड प्रेशर, दिल की जोड़ों का दर्द, किसी भी किस्म की परेशानी, किसी भी किस्म की बीमारी तकलीफ है, एक हफ्ता या तीन दिन ही अमल करें, खाना खाते हुए या वाजिदू पढ़े, पानी पीते हुए या वाजिदू पढ़े, हर लुकमे के साथ, हर घूंट के साथ या वाजिदू पढ़े। फरिश्ते तो आपका रिस्क लिखेंगे, आपका रिस्क इतना ज्यादा बुलंद होगा कि आपकी नस्लें उस रिस्क को खाएंगी। कभी कारोबार में नुकसान नहीं होगा, अगर आपकी शॉप है कभी वहां पे ग्राहकों की कमी नहीं होगी, अगर आप कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं जो आप चाहते हैं उस बिजनेस को बढ़ाना, कभी कमी पेशी नहीं होगी। या वाजिब पढ़ते हुए खाना खाए, इतना रिस्क आएगा आपकी सोच। अगर किसी को हाजत परेशानी है, कोई भी किसी भी किस्म की माली है, कोई भी परेशानी है, कोई भी हाजत है, वो आप या वाजिदू सिर्फ और सिर्फ 41 मरतबा बुलाकर दुरूशी के साथ रिस्क खाना खाने से पहले पढ़ें। आपकी हाजत परेशानी आपकी पूरी, अगर रिस्क की तंगी है तो 11 मरतबा खाना खाने से पहले बुलाकर दुरूशी के साथ या वाजिदू पढ़ें। यकीन मानिए रिस्क जब आप खा लेंगे आप उठने भी नहीं पाएंगे, अल्लाह पाक इतना रिस्क आपको अता फरमाएगा। आपकी सोच है, छोटे छोटे अमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और इस अमल को करें, इंशाल्लाह कभी ना उम्मीद नहीं होगी। इसी के साथ अपनी इस बहन को इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी भी किस्म की परेशानी, दुख तकलीफ है तो जरूर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाए।